नमस्ते, प्रीति के चैनल में आपका स्वागत है एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली क्या आज मैं लेट हो गई हूँ, मैंने सुबह से कोई बात नहीं की, आप लोगों से कोई इंटरेक्ट नहीं किया और अभी मैं जस्ट शाम हो चुकी है और मैं बस आज मैं किचन में खड़ी हूँ, सोचा आप लोगों से बात करूं और बताऊं कि आज मैं क्या बनाने चाहती हूँ। मैं बताती हूँ, आज मैं जस्ट मिनट ये देखो क्या है, व्हाट इज दिस, पिज्जा बेस। तो मैं क्या बनाने जा रही हूँ आज, पिज्जा। और पिज्जा की देखो मैंने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब कुछ रेडी कर लिए है कट करके। वेट, मेरा फ्रिज ओपन है और अपन जल्दी बन लो। ये देखो बेल पेपर, अनियन एंड ग्रीन कैप्सिकम एंड टोमेटो, ओके, और बेबी कॉर्न एंड वी हैव दिस ग्रीन ऑलिव एंड ब्लैक ऑलिव, क्योंकि ये तो लगता ही है और बाकी तो चीज तो बाद में निकलेगा जब मैं बनाने बैठूंगी। घर का पिज्जा की जो घर का पिज्जा होता है ना उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि उसमें हम इतना सारा इंग्रेडिएंट्स जितना भी है वो भर भर के अपनी मर्जी से डाल देते हैं, हम परवाह नहीं करते कि हम क्या कितना कुछ डाल दें, क्योंकि बाहर होते तो बाहर एक आपको ना पर्टिकुलर एक प्रॉपर आपको जो चाहिए ना इतना नहीं मिलता, अगर मिलेगा तो आपको उस हिसाब से आपको पे करना पड़ता है, जो कि कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि मेरे को ना ये लगता है कि एक पिज्जा की औकात, एक पिज्जा इतना महंगा आता है, इससे अच्छा तो बेटर इसकी होटल में बैठ के अच्छे से खाना खा लो। आप दो तीन जन हो तो आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हो, इतना तो मुझे ऐसा लगता है। मालूम नहीं आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं लगता होगा, लेकिन क्या है, मैं क्या सोचती हूँ कि घर पे पिज्जा बना वो ज्यादा बेस्ट है, बच्चे भी खुशी खुशी खा लेते हैं और जितना चाहिए उतना पिज्जा बन जाता है, और ऊपर से क्या है अपने हाथ से बनाया हुआ पिज्जा की ना बात ही अलग होती है। वैसे मैं सच बोलूं मेरे को मेरे हाथ का बनाया हुआ पिज्जा पसंद नहीं आता, सबको पसंद आता है, बाकी मुझे मैं प्रेफर करती हूँ बाहर का पिज्जा खाऊं। सॉरी, वो मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ और कुछ नहीं है। मेरे बच्चे गए हैं ट्यूशन से, वो आएंगे फिर उनको पता चलेगा ओ आज मम्मी पिज्जा बना दिया, तो वो कुछ नहीं करेंगे, बस आराम से बैठ जाएंगे, टीवी देखेंगे। और बाकी मैं जब पिज्जा बनाने लगूंगी तब मैं आपके साथ मेरी वीडियो शेयर करूंगी, आपको मैं लाइव दिखाऊंगी, ठीक है ना, कि मैं किस तरह से पिज्जा बनाती हूँ, उसके लिए इंतजार कीजिए। लव यू। हाय एवरीवन, देखो मैंने पिज्जा मेरा बना लिया एंड हम अब खा रहे हैं हमारा पिज्जा। सबसे लास्ट में मैं खा रही हूँ, है ना, पापा को बोलो, पापा ओपन करके देंगे। ये देखो कैसा लग रहा है मेरा पिज्जा देखने में, बताओ जल्दी बताओ। ये देखो अच्छा लग रहा है ना। वन टू थ्री, एंड फोर। ओके बाय।